ये आई थिंक आपको हमने डायथेसिस के लिए बताया था। इस ग्राफ को दिखाने का मेरा मेन फैक्टर था इसको समझने के लिए, एंड द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन फॉर मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन इज फॉर दिस। लास्ट क्लास में आपको यहाँ तक आने से पहले चलो एक चीज बता रहे थे, हमने आपको इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे आई थिंक बताना शुरू किया था, और इस इन्वायरमेंट को फिर हमने आपको बर्नार्ड शॉ के रेफरेंस से बताया था, एक्सटर्नल मिलुई एंड इंटरनल मिलुई। ये एक्सटर्नल मिलुई इंटरनल मिलुई के ऊपर कुछ वर्कआउट किया था, आपने सर लास्ट में बोला था वर्कआउट पूछने आपको करना था, उसके लिए पूछ रहे हैं, आप लोगों ने किया। हमने एक रेफरेंस बताया था इन्वायरमेंट को समझने के लिए विद द कोटेशन ऑफ जोसेफ ऑर्टेगा, इसके बारे में कुछ खोजा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वो जानना, चलो यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। एक्सटर्नल मिलुई या इन्वायरमेंट जो कह दो, और इंटरनल मिलुई या इसको आप इन्वायरमेंट समझ लेना। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। आपने पीएसएम में पढ़ा होगा, क्या है ये होस्ट और इज इट परफेक्ट। अब हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट हमारे फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अधूरा है। क्या है अधूरापन इसका बताओ। ये यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा ये वाला पार्ट एक्सटर्नल मिलो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कवर अप होता है, बट ये एजेंट होस्ट को सिर्फ इस इन्वायरमेंट के बेसिस पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यहीं पे फैक्टर आ जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। एक ही घर में पांच बच्चे हैं, एक फैमिली के हैं, एक जैसा खाना पीना चल रहा है, एक को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, चार को नहीं हुआ। तो ये एक जिसको हुआ उसको बाहरी तौर पे या कोई बहुत अलग सा इन्वायरमेंट मिला था क्या? अगर हम इन्वायरमेंट को सिर्फ ओवरऑल आउटर एस्पेक्ट पे कंसीडर करें तो प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में है, होस्ट भी एक इन्वायरमेंट में है, तो पांच में से एक को हुआ, बाकी चार को क्यों नहीं हुआ? और इस एक को जब हुआ है इसको हम कहते हैं कि देयर इज ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? इट इज द टर्मोइल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल तो एक जैसा है, उस पांचों के अंदर जो उसका इंटरनल टर्मोइल है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल मिलुई है, उसको एक रिफ्लेक्शन में हम ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं। और ये जो इंटरनल ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं, ये यहीं पे उसको हम डायथेसिस का नाम देते हैं। अब इसी डायथेसिस को समझने के लिए आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला पार्ट लास्ट क्लास में समझ में आ गया था ना। एक इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशन पे अब यहां को इसको उल्टे तरीके से समझो, दो फैक्टर एट ए टाइम काम कर रहा होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो ओवरऑल लगभग बराबर होता है सबके लिए, एक इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मेक्स इंडिविजुअलाइजेशन। अब यहां पे अगर बात करोगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पे हमने ये वाला ग्राफ बताया विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ। ये हेल्थ का वो पार्ट है, आप कहते हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है कि नहीं, बदलता है या नहीं, कितने लोग इस फेवर में हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, वो हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। अब कोई नहीं हाथ उठाएगा, भाई तुम लोग का अपना कुछ स्टैंड है कि नहीं है ये बताओ। चलो कितने लोग इस फेवर में हो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता है। ये वाला कौन सा स्टाइल है भैया, अलग अलग तरीके का इशारा दिखा रहा। नहीं बदलता में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और जब पूछा बदलता तो किसी ने ना नहीं उठाया, तो बाकी लोग किस ग्रुप में हो, नहीं बदलता। फिर होम्योपैथी में एक टर्म आता है द सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, नाम सुना है? तो एक बार बचपन में किसी एक होम्योपैथ को दिखा के कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी निकाल लोगे, फिर तो हो गया लाइफ लॉन्ग लॉटरी, जिंदगी भर तो वही काम आएगा, नहीं आएगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैसे बदलेगा? और एनवायरनमेंट चेंज होगा उसकी डायफिस तो ससेप्टिबिलिटी बदलेगी, पर
The only constant in the world is the law of change. The only constant is law of change. Everything changes except the law of change. फर्क ये आता है कि क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा. फिर वही कहा, अगर ओवरऑल और थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाओगे देन यू विल फाइंड मोर एक्यूरेट ट्रूथ. कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एक बार छोटा सा. अच्छा, हमने वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया है या हमने वर्ड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया है? Then why you are talking about only the physical makeup? Constitution include both psychosomatic makeup. It is psychosomatic makeup. आप लोग के अंदर अगर ये वाला point बैठा हुआ है अभी भी तो this is wrong. It is not just physical. ऑर्गन की किताब है एफरिज्म नंबर 136, फिर से खोलो, पढ़ना एक बार. Although as has been said, a medicine or being proved on healthy subjects cannot develop in one person all the alterations of health it is capable of causing, but can only do this when given to many different individuals varying in their corporeal and mental constitution. धीरे, corporeal and और आप लोगों ने constitution को क्या बना दिया? Constitution is constitution. It includes both your psychic and somatic makeup or expression. उसके बाद इसमें जो दूसरा term आता है, it is again having two important sources. One source is your genetic inheritance and another source is your accessory circumstances. This accessory circumstances is nothing but the overall environment and its different factors throughout the establishment of your life. Throughout the establishment of life में यहाँ पे देखोगे, फिर आपको एक छोटा सा चीज बता रहे हैं. आपने इतना बड़ा पूरा बॉडी कवर कर दिया इसको, दूसरा लिखने का टाइम नहीं है. थ्रू आउट द एस्टेब्लिशमेंट, ये मिटा दूं. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको नहीं दिखाई देगा, देख लेना अच्छे से. व्हाट इज दिस? क्या मतलब? बहुत ध्यान से देखना. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस. इसके पहले ये जो है, देयर इज चांस ऑफ चेंज. दिस इज द टाइम वेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये वाला. उसके बाद क्या आता है? एक प्रोडक्ट बाहर समाज में अवेलेबल हो जाता है. अब ये एक प्रोडक्ट होता है, ये अपना एक बेसिक लेके आता है और अब इस बेसिक का एक्सेसरी सरकमस्टांसेस इसके साथ चलता है और अब इस एक्सेसरी सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इसके अंदर फिर चेंजेबिलिटी आती है. अब देखो कि ये जो ब्लू से हमने लिखा है, दिस इज चेंजेबल. ये जो ब्लैक से लेके आया है, जो बेसिक पैटर्न जो निकल के आया है, ये यहां तक तो इस एरिया में चेंज किया जा सकता था. जब ये आ गया, अब वो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट एक फिक्सिटी लेके आ जाएगा, बट उस फिक्सिटी के साथ वो सारा पार्ट जो उसके एक्सेसरी सरकमस्टांसेस के इन्फ्लुएंस से आता है, जिसमें आपका डाइट, आपका इन्वायरमेंट, आपकी परवरिश, आपका रख रखाव, आपके इलनेस, आपके अपने कर्म, एवरीथिंग इज एडिंग ऑन लेयर बाय लेयर. दैट कैन बी करेक्टेड, दैट कैन बी changed, that can be modified by some other means of practicing, by some other means of corrections, or some part by medicines.
बट कुछ बेसिक जो है वो नहीं बदलता। अब आप देखोगे इसी बेसिक में, अब हम यहां की बात कर रहे हैं, आपको दिखाई देगा तो ठीक है, यही बेसिक जो है ये दो लेवल पे होता है, एक होता है साइकिक, एक होता है कॉर्पोरियल। बेसिक की बात बोल रहे हैं। साइकिक का ये बेसिक पार्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं इसका नेचर। और तभी आपको अक्सर देखोगे जब हम होम्योपैथिकली प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं बेस्ड ऑन मेंटल सिम्टम, द सिम्टम्स ऑफ डिस्पोजिशंस आर ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंट। वो उसका एक बेसिक नेचर होता है जो कि ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली बट ऑलमोस्ट अनचेंजेबल है। बट जो बाहरी इंप्रेशंस के साथ आता है वो चेंज होता रहता है, एंड दैट इज टुगेदर इज कॉल्ड माइंड एंड डिस्पोजिशन, माइंड एंड डिस्पोजिशन। उसी तरीके से कॉर्पोरियल लेवल पे एक पार्ट होता है जो फिक्स होगा, एक दुबला पतला इंसान, मोटा हो सकता है कि नहीं, एक मोटा इंसान दुबला पतला हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। कितना महीना फेयर एंड लवली लगाने के बाद एक सांवला गोरा हो जाएगा, बहुत जोर से बोल रहे हो। कितना सो कॉल्ड कैल्केरिया फॉस खाने के बाद और ब्राइटा कार्ब खाने के बाद एक बौना लंबा हो जाएगा, कितना ट्यूबरकुलिनम और फॉस्फोरस खिलाने के बाद एक लंबा नाटा हो जाएगा। अब अगर हम डायरेक्ट सिर्फ कह दें कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है और नहीं बदलता है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जवाब इनकम्प्लीट होगा। सर्टेन पार्ट इज चेंजेबल, सर्टेन पार्ट इज नॉट चेंजेबल, एंड दे आर एप्लीकेबल बोथ एट साइकिक लेवल एंड एट कॉर्पोरियल लेवल। कैल्केरिया कार्ब प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए बहुत गुल्ला थुल्ला मोटा मोटा बेबी, उसके लिए ज्यादा प्रिस्क्राइब होता है या पतले वाले पे, किस पे ज्यादा होता है? अगर हम इस मोटापे को वन ऑफ द डिसीसिव सिम्टम समझे कि इसके ऊपर हमको डिसीजन लेना है, बाकी सिम्टम जो है ओवरऑल कुछ दो से कवर कर रहा है, सपोज कर लो कैल्केरिया कार्प एंड कैल्केरिया फॉस दोनों से कवर कर रहा है। अब इस दुबला पतला और ओबेसिटी इस बेसिस पे हमको डिसाइड करना है, देन व्हाट वी विल डिसाइड? सो ल्यूकोफ्लेगमेटिक चबी गुल्ला गुल्ला टाइप, उस पे हम प्रिस्क्राइब करेंगे कैल्केरिया कार्प, या दुबला पतला सूखा सूखा बच्चा है उसके ऊपर? या तुम लोग अपना प्रोसेसर बदलो, हर बात पे पता नहीं कौन सा थिंकिंग मोड में रहते हो, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है कुछ। अब ये भी कुछ टेढ़ा सवाल पूछ दिया, बोलो। कैल्केरिया कार्ब इज सुटेबल फॉर फैट फ्लैबी चबी टाइप ऑफ चिल्ड्रेन, बट इट कैन बी वेरी सक्सेसफुल्ली प्रिस्क्राइब इन लीन थिन इमेशिएटेड चिल्ड्रेन व्हेन एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड वॉज फैटी फ्लैबी but now it becomes lean thin because of some illnesses, and if you will find this history ke initially at the time of birth he was 4+ kg and now the child is lean thin emaciated, then this is very important symptom again confirming the calcarea carb. But if you have found that the child born at the age of only 7 months premature delivery, बड़ी मुश्किल से सस्टेन किया गया था, 3 महीने 2 महीने इसको हीट चैम्बर में रखा गया, इंजेक्शन लगाने के लिए कुछ नस भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक हथेली पे पूरा बेबी उठा सकते थे, और अब भी ये वैसे ही दुबला पतला था, या अभी अब आपके पास वो बिल्कुल ही चबी चबी होके आया है 5 साल के एज पे, मम्मी ने खूब काजू किशमिश बादाम
जी भर के खिलाया है 3-4 साल, इवन इफ द चाइल्ड इज फ्लैबी द प्रिस्क्रिप्शन विल गो मोर इन फेवर ऑफ कैल्केरिया फॉस नॉट कैल्केरिया कार्ड. ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज टू रेमेडी, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज टू रेमेडी इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, वेरी अपोजिट. आप लोग मटेरियल तो ज्यादा जानते हो अच्छे से, बट ये याद रख लेना कि कब दुबले पेशेंट को कैल्केरिया कार्ब और मोटे को कैल्केरिया फॉस दिया जा सकता है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, ये और बाद में ये वाला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए. एफ्रोजम नंबर 213 का फुटनोट निकालो. सर, अगर कोई कैल्केरिया कार्ब का मोटा होना ये एक सिम्टम है कैल्केरिया कार्ब का. तो अगर कोई नाटा है तो इसका मतलब क्या हम फास्फोरस उसको जिंदगी भर नहीं देंगे, 100% देंगे. अगर वो दुबला है और कैल्केरिया कार्ब का सारा सिम्टम मिल रहा है तो हम दूसरा रेमेडी कौन सा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, किस बेसिस पे लाएंगे, 100% देंगे उसको. डिपेंड करता है कि ये तो एक एस्पेक्ट है उसका, एक सिम्टम है, बाकी अगर मैच कर रहा है तो हम तो वही प्रिस्क्रिप्शन करेंगे ना. फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये एक एस्पेक्ट होता है, आप टोटलिटी जब बनाते हो तो उस टोटलिटी में एक सिम्टम है, एक कवरेज है. हम बायस्ड होके कि ये मोटा है तो यही देंगे, दुबला है तो यही देंगे, दिस इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग. ये यूजफुल होता है जब हम बाकी चीजों को देख ले रहे हैं, अब थोड़ा सा फाइनर डिफरेंशिएट करना है, नाउ यू गो फॉर दैट. बट ऐसा नहीं कि नाटा है तो फास्फोरस नहीं देंगे, और लंबा पेशेंट है तो हम ब्राइटा कार्ब नहीं देंगे, दुबला पेशेंट है तो कैल्केरिया कार्ब नहीं देंगे, ऐसा नहीं है. अब कैल्केरिया कार्ब भी अगर हम मोटा पे देंगे, कैप्सिकम देखो तो कैप्सिकम पता है कैसा होता है, अगर सब मोटे को हम कैल्केरिया कार्ब भी देंगे तो कैप्सिकम किसको देंगे हम, काली कार्ब किसको देंगे, फिर हम थूजा फिर किसको प्रिस्क्राइब करेंगे, हम काली बाइक्रोम फिर किसको प्रिस्क्राइब करेंगे. तो इसका मतलब फिर बाकी सिम्टम है ना जिसके बेसिस पे हम निकालते हैं. उसी तरीके से अगर दुबला पतला है सबको अगर हम कैल्केरिया फॉस ही देंगे तो ट्यूबरकुलिनम किसको देंगे, क्रियोजोट किसको देंगे, फेरामेट किसको देंगे, ठीक है. चलो हम जहां पहुंचना चाह रहे थे रास्ते में अभी रह गए, ये चीज क्लियर हुआ, ये यहां पे बहुत अच्छे से देख लेना. अब ये यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब यहां पे देखो हमने आपको बताया है ये चेंजेबल, यहां पे चेंजेबिलिटी है, यहां पे फॉर्मेशन है. फॉर्मेशन है मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन यू हैव ऑप्शन फॉर चेंजेबिलिटी, बट एक बार ये प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाए तो एक पार्ट इसका वो है जो फिक्स हो जाएगा, और वो फिर कॉन्जेनिटल फॉर्मेशन जो होता है ये उसका एक बेसिक आ गया. ये वही बेसिक है जैसे जब एफ्रोजम 1 पढ़ाते वक्त हम क्या कहते हैं, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ. रिस्टोर यहां पे क्या वर्ड कह रहा है, रिस्टोर कहां तक ला के रिस्टोर करोगे, जो उसका बेसिक था. ऐसा नहीं कि यहां पे दवाई खिला दोगे तो सब बिल्कुल एकदम सुपर स्टेट ऑफ हेल्थ में चला जाएगा होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के बाद. जिसका जितना खोया था उतना ही वापस आएगा, और कितना खोया था जितना लेके आएगा उसी में से खोएगा ना. किसी के पर्स में अगर 50 रुपया ही है तो वो 100 रुपया तो गवा नहीं सकता. और अब यहां पे देखोगे इसको अगर हम इस पार्ट को अगर हम देखें तो हम फिर इसको 3 डिवीजन में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. एम्ब्रियोलॉजी याद है या रिट सर को बुलवाऊं, ऑर्गेनोजेनेसिस किस ट्राइमेस्टर में होता है, कहा जाता है कि अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ये लास्ट वाला पार्ट हटा दो, मतलब लास्ट वाला 2 वीक हटा दो, और इस वाले वीक में अगर कुछ बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है मदर के ऊपर तो चाइल्ड को, आने वाले बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी. एम आई राइट, नहीं होगी,
नहीं होगी, नहीं होगी। पता क्यों नहीं होगी? एक जगह किताब लिखा हुआ था कि अगर आप बहुत कम उम्र से आपने खूब शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो आप जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं होगे। ठीक है, इसलिए कि जवानी में ही तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। सिमिलरली हेयर देयर विल बी एबोर्शन, तो बच्चा रहेगा नहीं, बीमार कहां पड़ेगा फिर। और तभी आप देखोगे आपके मेट्रिया मेडिका में भी बहुत सारा रेमेडी लिखा होगा, थर्ड मंथ और बिफोर थर्ड मंथ मैक्सिमम मिलेगा। बट वही चीज अगर इसके बाद आएगा, नाउ देयर विल बी डिफॉर्मिटीज, डिफेक्ट्स, इलनेस, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स विल कम आउट। और अब यहां से जितना अर्ली स्टेज में इंपैक्ट पड़ेगा उतना ज्यादा आप देखोगे उसको कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज डेवलप होगी, मतलब उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे वो डिफॉर्मिटीज ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। और जितना लेट इंपैक्ट पड़ेगा उतना ज्यादा उसके नर्वस और रेस्पिरेटरी डिफेक्ट्स और एक डायनामिक वीकनेस डेवलप होगा, जिस तरह से हम कहते हैं डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी डायथेसिस एक्स वाई जेड जो निकल के आता है। एक टर्म है टेराटोजेन, नाम सुना है टेराटोजेन? हमने क्या लिखा है वर्ड वो देखो, जी इट इज एजेंट, जेन हम बोल रहे हैं, टेराटोजेन इट इज एन एजेंट, मतलब इंट्रायूटराइन में लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाला, हार्म इन्फ्लुएंस करने वाला जितना भी फैक्टर है दैट इज सम टुगेदर कॉल्ड एज टेराटोजेन। अब यहां पे देखोगे आपका जब यह फॉर्मेशन हो रहा होता है, पहले यहां पे बात करें फॉर्मेशन से पहले अगर फैमिली में किसी भी तरह का कोई हिस्ट्री चला आ रहा है इलनेस का, ससेप्टिबिलिटी का, सपोज ऑलरेडी यहां पे दो भी मदर एंड फादर, ये भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो कोई चीज इनहेरिटेड कर रहा है तो बिफोर कंसेप्शन इफ यू विल ट्रीट बोथ द पेरेंट वुड बी पेरेंट प्रॉपरली विथ योर होम्योपैथिक मेडिसिन देन मैक्सिमम करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स दैट इज कैरिंग बाय द आइदर पेरेंट्स विल बी करेक्टेड। एंड यहां पे फिर आपका काम बहुत आसान रहेगा, द चाइल्ड विल बी मोर हेल्दी। अगर यहां पे नहीं किया तो अब यहां पे आता है वो ऑप्शन जहां पे अब आप करेक्शन कर सकते हो। ये वाला वो पार्ट है, जाओ हनीमैन आप देखोगे एफरिज्म नंबर 284 फुटनोट 6th एडिशन किताब है ऑर्गेनन की, देख लीजिए 284 फुटनोट 6th एडिशन। अब कभी उस एफरिज्म को अगर पढ़ाएंगे या समझने के दिल करेगा तो आप पूछ लेना अलग से, बट एक चीज वहां पे याद रखना, उस एफरिज्म का मतलब ये नहीं है कि दैट इन ऑल केस यू शुड प्रिस्क्राइब सल्फर, सल्फर इज वन ऑफ द रेमेडी बट सल्फर इज नॉट द ओनली रेमेडी। महाभारत कितने ने देखा है आप लोगों में से, लॉकडाउन वाले में सबने देखा है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह किसने सिखाया था? तो अगर आप को वो पता है तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रायूटराइन लाइन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बीमारी या मेडिसिन इसका ध्यान रखने से ही यहां पे काम नहीं चल जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में हर दादा दादी को पोता पोती बहुत अच्छा चाहिए लेकिन बहू का ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं पोता पोती बिल्कुल कैलकेरिया जैसा चबी चबी चाहिए लेकिन बहू आधे टाइम पे भूखे ही रह रही है प्रेगनेंसी में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू शुड ट्रीट द वुड बी मदर लाइक ए क्वीन, और इससे उसका तो भला जो होगा वो होगा, सबसे ज्यादा भला आपके परिवार का होगा, क्योंकि जो बाद में आने वाला है
हाउ ही विल बिहेव, आपने उस इंटर लाइन में तो जितने ताने, जितने तंज, जितना क्रिटिसिज्म, जितना मेंटल पनिशमेंट या मेंटल प्रेशर आप जब उस मदर को दे रहे होगे, होता क्या है कि अब अंदर में जो बच्चा पल रहा है दैट विल परसीव द थिंग दैट हम जिस इन्वायरमेंट में अब आने वाले जाने वाले हैं उसमें कैसे इन्वायरमेंट से हमको डील करना है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं, वो उस बच्चे का यहीं पे होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जिंदगी में चाहे लाख लाड़ प्यार करते रहो, जो एक बेसिक बन के निकल आएगा ना, वो नहीं बदला जाएगा। सो इफ यू हैव नॉट टेकन केयर प्रॉपरली ड्यूरिंग दैट फेज, देन यू विल डू अनरिपेयरेबल डैमेज टू योर ओन फैमिली। फिर बाद में बस पहले महीने से ही डॉक्टर यहाँ वहाँ थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर काउंसलर, थोड़ा कुछ हो गया तो फिर वो उसके बाद बोलोगे देखो ये तो सुनता नहीं है। अरे पहले ही जितना सुन रखा है अब क्या सुनेगा, जो सुन रखा है वो मिटेगा उसके बाद ही तो सुनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक बात छोटा सा बताएं, अभी अगर हम आपको एक टूर ऑर्गेनाइज कराए कि मार्च में हम सभी लोग कश्मीर जाएंगे, नाउ स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड पैकेज, सब लोग खुश हो रहा नहीं? तो अब आप लोग अपना जो पैकिंग और तैयारी करोगे उसमें क्या क्या रखोगे, टी शर्ट नहीं? और अगर दूसरे बैच को बोलें कि मार्च में हम लोग गोवा जाएंगे, अब वो अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या रखेगा? गोवा जाने वाले का बैग और कश्मीर जाने वाले का बैग पैक एक जैसा होगा? क्यों? That means you are starting your preparation कि आपको कैसे environment में जाना है, कर रहे हो ना? तो वो जो बच्चा जो 9 महीने में अपना formation ले रहा है, जो nature उसको formation करा रहा है, तो वो भी तो वैसे ही prepare होगा ना कि अब जब हम land करेंगे तो कैसे environment में land करेंगे, जहां चारों तरफ स्नेह प्यार केयर इस तरह का माहौल है, यहां जाते ही तीर तलवार चलने वाला है। आ रहे हैं 2 मिनट। अच्छा तो 2 मिनट फिनिश कर लेते हैं। वेदर दे विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट और नॉट, दैट इज द थिंग यू हैव टू शो। आप बहुत सारे जगहों पे देखते हो ना, जो एडवर्टाइजमेंट का नाम सुना है, क्या होता है ये? अब आजकल तो आधा गलत होता है वो अलग बात है, बट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? वर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहे मेरे भाई, आप एक ओवरऑल अट्रैक्शन देते हो ना, किस तरह का कि हमारे यहां क्या अच्छा है, क्या चीजें हैं। तो ये जो इंपैक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी वैसे ही एडवर्टाइजमेंट है, ताकि आपको पता चल जाए टेलर से ही कि अगली मूवी जो आप जाके देखने वाले हो एनिमल, तो फैमिली के साथ जाओगे या अकेले जाओगे, या वहां जाके डिसाइड करोगे। अगर वहां जाके डिसाइड करें तो पता चला बगल में बेटा का आंख बंद कर रहे हो बार बार। खैर इसके ऊपर तो कभी बहुत विस्तार से बात हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो हमारा डाइट, हमारा बिहेवियर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। उसके बाद होता है इंपैक्ट ऑफ इलनेस, इंपैक्ट ऑफ मेडिकेशंस, और ये सब यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जब आ जाएगा तो ये एक फिक्सिटी लेके आ जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनचेंजेबल पार्ट होता है। इसके बाद वाला जो फैक्टर है वो फिर चेंजेबल फैक्टर के अंदर आएगा। मेडिकल वर्ल्ड में एक
बड़ा अच्छा स्कोप है कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा गुस्से में हो और गाली देने का दिल कर रहा है, देना मत ऐसे, तो सिर्फ इतना कह देना 5 मिलीग्राम डिफिशियंसी। अगले को बुरा भी नहीं लगेगा, आपका भड़ास भी हल्का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जब किसी को बहुत दिल करे, बहुत, अब हम हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं, इडियट कहने का, वो 3 इडियट वाला इडियट नहीं, हाँ सच वाला इडियट, तो इडियट बोलोगे तुरंत मारपीट शुरू हो जाएगा। 5 मिलीग्राम डिफिशियंसी बोल दो, खोजते खोजते 2 दिन पता चलेगा, तब जाके, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। ये क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, ये 5 मिलीग्राम नीडेड होता है। अगर ये डिफिशियंट हो गया चाइल्ड आफ्टरवर्ड्स, ये जो ब्राइटाकार फॉर्मेशन होगा, नो ब्राइटाकार विल क्योर इट। जाके इम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लेना, इंडोक्रिनल इंपैक्ट ऑन इम्ब्रियोलॉजी, 5 मिलीग्राम डिफिशियंसी। सो अब यहां पे एक फैक्टर आता है, देखो यहां से इसी को हम, यहां से जो बन के गया इसको अब हम सीधा यहां पे लेके आएंगे। अब आज क्लास में भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। यहां पे हमने क्या क्या इन्फ्लुएंस बताया? एक ऑल द साइकिक फैक्टर, एक ऑल द फिजिकल फैक्टर्स जिसमें डाइट एनवायरमेंट सारा इंक्लूड हो गया, मेडिसिन वगैरह। अब यहीं पे एक फैक्टर और होता है जिसको हम बोलते हैं मैजम। ये आइदर मैटरनल साइड से आ रहा हो या पैटर्नल साइड से आ रहा हो, ये एक और फॉर्मेशन होता है जो यहां जाके गांव में सुना होगा कि जब कहीं किसी का बहुत अच्छा रिश्ता लग रहा होता है तो कोई जेलस पड़ोसी, नहीं, एंग्री फूफा जी का रोल जब निभाने लगता है, ये मैसम का काम ही होता है यहां पे इस फॉर्मेशन में, अब अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना। यहां पे अब देखोगे जो हनीमैन ने 284 फुटनोट में बताया है, सल्फर दैट विल या और इंडिकेटेड मेडिसिन दैट इज ओनली फॉर करेक्शन ऑफ दिस। अब ये मत सोचना कि अगर इस तरह से होम्योपैथिक दवाई खिला दोगे और उसके बाद अत्याचार करते रहोगे तो लगे हम तो ठीक कर देते, दवाई तो करा ही रहे थे। सो दवाई सिर्फ एक पार्ट को ही कवर करेगा, खाना सही से नहीं दोगे, ताना रोज दोगे तो सोचोगे ये दवाई खिला दिया होम्योपैथिक सब ठीक हो जाएगा, नथिंग विल हैपन। होम्योपैथिक दवाई जिस काम के लिए उतना ही करेक्ट करेगा, बाकी आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा ओवरऑल। अब ये जो फॉर्मेशन लेके आएगा, यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया, अब यहां पे ये डायथेसिस फॉर्म होता है। अब देखो डायथेसिस फॉर्म में साइकिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस, फिजिकल फैक्टर का इन्फ्लुएंस और मैजम का इन्फ्लुएंस। मैजम वाला इन्फ्लुएंस यहां पे भी बहुत हद तक चेंजेबल और करेक्टेबल है। वो वाला फैक्टर, वो बहुत हद तक आपका स्टेसिस रहेगा, वहां चेंजेबिलिटी नहीं आएगी या बहुत रेयर है, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं समझ में आ रहा? देखो जो के मैसम एक डायनामिक इन्फ्लुएंस है, तो यहां पे वो जो फॉर्मेशन जो डिफेक्ट लेके आएगा, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में पार्ट आ गया, वो एक चेंजेबिलिटी तो कर देगा, एक चेंजेबिलिटी अपने नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि माजे में वहीं पर तो काम करके छोड़ नहीं देगा, वो तो आगे भी प्रोडक्शन में लगा रहेगा ना, तो आगे भी प्रोडक्शन में डायथेसिस के अंदर ये प्रोग्रेसिव टॉर्चर डिस्टर्बेंस और प्रोग्रेशन ऑफ फर्दर डिट्यूरिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहेगा ना, तो ये जो फर्दर डिट्यूरिएशन जो मैजम वाला है वहां से जो चल के आ रहा है, इसको मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हो। बट जो
साइकिक और फिजिकल फैक्टर्स जो हमने बताया, ये यहां पे इंपैक्ट ले आएगा, और ये जो इंपैक्ट लेके आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोर और लेस यहां पे फिक्सिटी के फॉर्म में होता है, इसके अंदर प्रोग्रेसिविटी नहीं होती, बट इसकी वजह से जो प्रोग्रेसिविटी होगी वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोग्रेसिविटी होगा, और वो प्रोग्रेसिविटी को आप दवाई से नहीं हटा सकते, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वो स्टेसिस होगा ज्यादातर। आप जब अपना मकान बना रहे होगे तो घर का डेकोरेशन तो आप बार बार बदल लोगे, नहीं बीच में कभी दीवार लगा के इधर उधर शेप हल्का बदल लोगे, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है घर का वो बदल पाओगे? उसके लिए तो फिर पूरा तोड़ना पड़ेगा। एंड इफ यू बिलीव इन पुनर्जन्म तो अलग बात है, फिर उसके लिए अगले जन्म में फिर इंतजार करना पड़ेगा कि अब उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से शेप करके फिर हम मिलेंगे अगली बार। इसलिए किसी को बदलना तो उतना ही बदलना जितना बदला जा सकता है, इतना मत बदलने का एक्सपेक्टेशन कर लेना कि अब उसको दोबारा जन्म लेना पड़े। एम आई राइट? सो ये डायथेसिस का अब ये पार्ट है, ये जो देख रहे थे, ये जो हम मायसिम की बात कर रहे थे, ये सारा वाला पार्ट जो साइकिक ये फॉर्म, ये उसके इंटरनल मिलुई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर वापस आ जाओ हम जहां से आए थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मिलुई। यहां जो एक्सटर्नल था, ये देख रहे हो एक्सटर्नल था, अब ये उसके लिए इंटरनल बन चुका है। ये एक्सटर्नल सिर्फ ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ के फेज तक ही था, उसके बाद सब वो चीज उसका इंटरनल बन गया। अब एक्सटर्नल यहां पे अलग है, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो ये इंटरनल लेके आया, वो इंटरनल में वो चीज है जो कभी एक्सटर्नल था लेकिन अब इंटरनल हो गया है। और फिर यहां पे देखोगे इंटरनल के लिए ये इन्वायरमेंट का फैक्टर भी एक काम करेगा और इंटरनल भी फैक्टर एक काम करेगा। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इस स्टेज में, दैट नीड्स मैनेजमेंट, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना एफोरिज्म नंबर 77। बट जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसकी जब करेक्शन करोगे, इसको जब इसके इस पार्ट को जब आप डील करोगे, तो इसके अंदर भी ये ससेप्टेबिलिटी फॉर्मेशन के लिए भी आपको दो फैक्टर का इंपॉर्टेंट होता है। एक अगेन एक्सटर्नल नीड मैनेजमेंट 77, बट एक इंटरनल दैट इज मायजमेटिक, और उसके लिए अब आपको रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल अगर आप इस ग्राफ को देखोगे होम्योपैथिक पार्ट में, आपको एक चीज बता दूं आपके क्लिनिकल लाइफ में बहुत काम आएगा, सिर्फ ऑर्गेनन और मेटेरिया मेडिका से आप बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हो, बट ओनली 30%। बाकी 70% कहां से आएगा? एफोरिज्म नंबर 204 पे आ जाओ। ये एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसको अगर आप कर लोगे ना, तो मोर देन 60% ऑफ योर पेशेंट यू विल गिव ए वेरी गुड रिजल्ट टू योर पेशेंट, इवन इफ यू आर नॉट गुड इन योर मेटेरिया मेडिका और इवन ऑर्गेनन, ऑल्दो इट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनन, बट अगर आप फिलोसफी और मेडिसिन कम भी जान रहे हो और आप उस दो फैक्टर को आप अगर अच्छे से समझ सकते हो जिसको सिर्फ करेक्शन करना है, देन ओनली विथ वन मेडिसिन इन योर क्लिनिक यू कैन ट्रीट सो मेनी पेशेंट। डू यू नो व्हाट इज दैट वन मेडिसिन? प्लेसिबो। 204 मिला। इफ यू डिडक्ट व्हाट? एलिमेंट्स डेवलप फ्रॉम लॉन्ग रॉन्ग लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल ठीक करो, 30% केस ठीक। आइट्रोजेनिसिटी ठीक करो, नेक्स्ट 10% केस ठीक। अब इसको हमने 10% ही क्यों कहा? क्योंकि आइट्रोजेनिसिटी के लिए पेशेंट वो होता है जो बीमार दवाई से हो रहा है, लेकिन दवाई क्यों खा रहा था? पहले से कोई बीमारी थी तभी ना, तो दवाई से करेक्शन कर लोगे तो दवाई का इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जिस चीज से बीमार पड़ रहा था उसके लिए तो ट्रीट करना पड़ेगा ना। और अगर आप ये चीज कर लोगे तो अब आपका 40-50% केस तो ऐसे ही ठीक हो गया। अब जो बच गया उसके लिए मेटेरिया करो।
अब ये जो थर्ड पार्ट जो बता रहा है इस एफरिज्म नंबर 204 में, ये वो पार्ट है जिसके लिए हमको रेमेडी प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है, ये करेक्शन के ससेप्टेबिलिटी के लिए, करेक्शंस के लिए। बट बाकी दो चीज, कोई बैलेंस डाइट खा ही नहीं रहा है और उसकी वजह से उसको सपोज कर लो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, डाइट की एबनॉर्मेलिटी की वजह से उसकी यूरिक एसिड में बहुत इंक्रीज चल रहा है रैपिड, अब जोरों में दर्द एक्स वाई जेड, अब तुमका अर्टिका यूरेन्स रस्टॉक्स लाइकोपोडियम लीडम पाल ये खिला के क्या उसका ठीक कर लोगे? मुंह पे कंट्रोल पहले चाहिए ना। और कभी कभी देखोगे मुंह पे कंट्रोल अगर कर दोगे, पानी अच्छे से पिलाना शुरू कर दोगे, फ्रूट्स एडवाइस कर दोगे, दो महीने में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो रस्टक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस्ट मेडिसिन विल बी वर्क। ठीक रहा, समझ में कितना आएगा? चलिए अगली क्लास में देख लेंगे कितना समझ में आया है। और अगली क्लास में हम पूछेंगे किसी से भी टू सम अप दिस क्लास। सो आज तो अचानक था, अगली क्लास में बी प्रिपेयर्ड। हाँ बस साइलेंट दर्शक मत बने रहिएगा, यू हैव टू सम अप दिस क्लास। थैंक यू।